यूपी में 1985 से अभी तक जो नहीं हुआ है वो होने की उम्मीद दिख रही है, वो है बीजेपी विल कम बैक अगेन, यू नो, रीगेन इन टर्म्स ऑफ दी सीट्स, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट अगेन. सो बीजेपी वापस बना लेगी. और एक कहावत है फकार इंडिया में, पॉलिटिकल सर्कल्स में, कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है. जो दिल्ली जीतता है वो इजीली सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर बनाता है वो पार्टी, और यूपी जीते बिना दिल्ली पे राज कर पाना बहुत मुश्किल होता है. बहुत बहुत मुश्किल होता। हाँ अच्छा, ऐसा क्या इन लोगों ने, मतलब आपने कहा कि 1985 के बाद ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से एक बड़ा मजबूत होल्ड हो रहा है योगी जी, क्योंकि सीएम है यूपी के। तो क्या ऐसा कुछ उन्होंने डिलीवर किया लास्ट अपने टेन्योर में कि जिसकी वजह से लोग कह रहे कि नहीं जी, हमने अब योगी जी को या बीजेपी को लेके आना है यूपी के अंदर? हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकली सही नहीं होगा मेरा एक तरह से, यू नो, एक बीजेपी वजह पार्टी के बारे में क्या क्या काम किया वो गिराना. लेकिन आई अंडरस्टैंड बेसिकली योर मूड क्वेश्चन इज कि जो दशकों से नहीं हुआ है, अगर 3-4 दशकों, मतलब चेंज जो इतना बड़ी तब्दीली अगर आ रही है तो इसके पीछे तो कुछ तो होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो काफी कुछ सिमिलर हुआ है, कोई ज्यादा हुआ भी है. पहले अर्लियर गवर्नमेंट जो समाजवादी पार्टी की थी, फिर बीएसपी की थी, सबने अपने अपने लेवल पर अपने अपने समझ के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया था. तो इस गवर्नमेंट ने उसे कंटिन्यू तो किया है. वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ज्यादा किया उससे, पर दैट्स दैट्स ठीक है, मतलब वो कोई बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड फैक्टर मुझे नहीं लगता. लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ा फैक्टर लगता है, और जो राम मंदिर वाला इशू है वो मुझे लगता है ऑन ग्राउंड काफी ज्यादा इसका बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि अयोध्या को लेकर पिछले कई सालों से, लगभग 30 साल होने आ गए, वो चलते आ रहा था, लेकिन उसको लेके लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, और फिर आगे सरकार बढ़ रही है, राम मंदिर बन रहा है. तो ये हमें सुनाई देता है, लॉ एंड ऑर्डर है काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है. ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बेहतर होने की जरूरत है, लेकिन पहले से थोड़ा बेहतर है, परसेप्शन में भी और एग्जीक्यूशन में भी दिखता है. इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा है यूपी में, जो कि डिस्पाइट बीइंग इंडियाज बिगेस्ट स्टेट पहले होता नहीं था. यूपी और बिहार इस दो स्टेट के लोग इंडिया के बाकी शहरों में जाते थे, बॉम्बे, दिल्ली, सदर्न स्टेट्स के भी जो साउथ के स्टेट, बैंगलोर, हैदराबाद, वहां भी जाते थे रोजी रोटी के लिए. वो ट्रेंड थोड़ा सा कम हुआ है, लोगों की डिपेंडेंसी बाहर जाने को लेकर, अपना घर कौन छोड़ के जाना चाहता है अपना शहर बिल्कुल रोजी रोटी के लिए. और एक और बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है वो ये है कि एग्जीक्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है योगी आदित्यनाथ का. आपने देखा होगा जब कोविड की वेव्स आई थी, अभी तो थर्ड वेव इंडिया में जस्ट खत्म हुई है, इनिशियल फर्स्ट और सेकेंड वेव्स में इंटरनेशनल बॉडीज तक यूपी गवर्नमेंट ने जिस तरह से हैंडल किया है उसको लेके उन्होंने काफी तारीफ की थी. वो इसलिए क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, और अगर वहां चीजें हाथ से निकल जाती ना प्रकार, तो आप ये मानिए कि जो सिचुएशन वो बद से बदतर हो जाती. नो पॉपुलेशन डेंसिटी डाउट में भी काफी ज्यादा हाई है यूपी, तो केवल बड़ा स्टेट मास वाइज, एरिया वाइज नहीं है, पॉपुलेशन वाइज भी है और पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज भी है. ये दो फैक्टर मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोविड पॉइंट ऑफ व्यू, जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी उतना ज्यादा रिस्क. पर यूपी ने बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया, और पूरे ऑल ओवर इंडिया के नंबर से हमेशा से जो एवरेज अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन वाइज, यूपी ने काफी कम रखा, और वो एक बहुत बड़ा ब्रीदर रहा. हालत खराब तो हुई थी सेकेंड स्पेसिफिकली, लेकिन अगर यूपी हाथ से चला जाता कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं जैसा बताया कि बद से बदतर हो जाता. तो एग्जीक्यूशन बिल्कुल बहुत सारी चीजों को लेके यूपी का काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है योगी आदित्यनाथ का. एंड देयर वन मोर थिंग आई मस्ट मेंशन, देखिए लार्जर इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, अगर आप एक ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर भी हो और उसी पार्टी का अगर प्राइम मिनिस्टर भी हो, डिफॉल्ट मैनर में ये हेल्प करता है उस स्टेट को ज्यादा ग्रो करने में, अगर पार्टीज के रहेंगे तो. ये डबल इंजन की सरकार वाली जो पॉलिटिकल स्लोगन भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी का और योगी का,
उसका एक्चुअल में फीलिंग और एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे दिखता भी है। सिंपल होता है, दो लोग अगर एक ही पार्टी के हो तो इट्स इजी। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा एक आखिर मैं सिर्फ ये पूछूंगा, मोदी फैक्टर कितना है इलेक्शन में, उसका असर कितना रहा है या फिर आइंदा कितना रह सकता है? क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो पाकिस्तान में मोदी जी को लोग ज्यादा और बीजेपी, बीजेपी प्लस मोदी जी, मतलब ऐसा है कि मतलब दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में क्या ये चीज बाकी जो हमें यहाँ से नजर आ रही है इस्लामाबाद से ऐसा ही है। कितना इन्फ्लुएंस रखती है मोदी जी की, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर कहें या एज ए लीडर? फकार अगर 7 साल पहले अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, जब 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, पहली बार मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तब मैं कहता कि मोदी इज बीजेपी एंड बीजेपी इज मोदी। ओके। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं और आपके ऑडियंस को, मोदी इज बिगर देन बीजेपी। ऑलराइट। सो उसके ऑब्वियसली पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, बट दैट्स फॉर द पार्टी टू फिगर आउट। बट मोदी अलोन इज अ मच बिगर ब्रांड एंड क्रेडिबल फेस देन द पार्टी। अब उनका वर्किंग स्टाइल भी इसी तरह से है, उसके बेनिफिट भी मिलते हैं, नुकसान भी होते हैं। लेकिन ये जो मोदी फैक्टर की आप बात कर रहे हैं ना, ये लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में, केवल यूपी में और पंजाब में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर बीजेपी जीतती है तो आज के डेट में उसका मेजॉरिटी शेयर मोदी इमेज एंड मोदी फेस होता है। ऑब्वियसली बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी में जहाँ लोकल कैंडिडेट, स्टेट इश्यूज, नेशनलिस्ट वाला एस्पेक्ट, किस स्टेट में कितना कम्युनिज्म है, बाकी कौन सी पार्टियां हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जहां बीजेपी जीत रही है वहां पे बाय एंड लार्ज इट्स बिकॉज ऑफ द मोदी फैक्टर्स, मोदी फैक्टर वन ऑफ द मेजर फैक्टर। नाउ दूसरी बात की, जहां पर अगर मोदी आते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, ममता बनर्जी है, वहां पे फिर क्यों नहीं बीजेपी जीत पाती अगर मोदी उतरते हैं तब? एज आई मेंशन कि सब जगह पे प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा कैनवेसिंग नहीं करते हैं, वो बहुत ही ना कैलकुलेट तरीके से, उन्हें पता है कि यहाँ 19 से 20 करना है, इसे धक्का मार के हम 25-30 तक लेके जा सकते हैं, तो वहां ओडिशा फॉर दैट मैटर, नवीन पटनायक, पीएम की उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है जो कि अलग अलग पार्टी से है फिर भी, और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा से रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बीजेपी और मोदी के बीच में, टू आंसर द क्वेश्चन, मोदी बिगर देन बीजेपी, बट यस।